आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं मॉडल। आज नया टॉपिक ले लेते हैं मॉडल का, कि मॉडल का प्रयोग किस तरह किया जाता है उसको देखते हैं। हमने देखा होगा कहीं आपको कैन दिखता है, कहीं कुड, कहीं शैल, कहीं शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब चीज़ें जो हैं ओट टू, ये शुड, ये मॉडल में आते हैं। मॉडल का प्रयोग मेन वर्ब, सहायक मुख्य क्रिया, यानी मेन वर्ब के आगे अनुमति, आदेश, संभावना, प्रार्थना को व्यक्त करता है। मॉडल क्या करता है, मुख्य क्रिया के आगे लगा जाता है, उसको अनुमति है, आदेश है, संभावना है, प्रार्थना आदि ये चीज़ें हैं, इनके क्या करता है, आपको व्यक्त करता है। मॉडल में हमने देखे जैसे कैन मॉडल है, कुड मॉडल है, शुड मॉडल है, शैल मॉडल है, विल मॉडल है, मस्ट, मे, माइट, मस्ट, ये सब किस में आते हैं, मॉडल में आते हैं। ओट टू, नीड नॉट आदि ये सब किस में आते हैं, मॉडल में आते हैं। आपने देखा भी होगा वाक्य में इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के आगे जुड़कर अनुमति, आदेश, संभावना, प्रार्थना को व्यक्त करता है। मॉडल जो है वो मेन वर्ब से आगे लगता है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आज देखना शुरू करते हैं हम, जैसे कैन, सी ए एन, कैन एक मॉडल है। तो कैन मॉडल है, इसका प्रयोग कब किया जाता है ये अपने को देखना है, कि कैन का प्रयोग कब कब किया जाता है। कैन का प्रयोग वर्तमान योग्यता व क्षमता के साथ, यानी प्रेजेंट, वर्तमान काल हो गया, प्रेजेंट की एबिलिटी है और कैपेबिलिटी है, इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, कैन। योग्यता और क्षमता जो है किसकी होनी चाहिए, वर्तमान की यानी प्रेजेंट टेंस की होनी चाहिए, ये विशेष बात ध्यान रखना। पास्ट में जाओगे तो वो दूसरा मॉडल लगेगा उसमें। योग्यता पढ़ाई संबंधी सारी क्या होती है, योग्यता होती है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह फ्रेंच लिख सकता है, वह ये प्रश्न हल कर सकता है, ये सब उसकी क्या है, एबिलिटी है। उस व्यक्ति की क्या है, एबिलिटी है, वह बिना चश्मे के देख सकता है, ये सब उसकी योग्यताएं हैं। आपको वाक्य पढ़ने से पहचान करनी पड़ेगी कि वो योग्यता है या नहीं है। क्षमता, कैपेसिटी है किसी चीज़ की, वह 10 किलो वज़न उठा सकता है, वह एक 100 किलो की बोरी उठा सकता है, वह 100 किलोमीटर दौड़ सकता है, वह 5 किलो दूध पी सकता है, ये सब किस में आ जाता है, कैपेसिटी। यानी शारीरिक बॉडी संबंधी कैपेसिटी हो जाएगी और मानसिक योग्यता संबंधी क्या हो जाएगी, एबिलिटी हो जाएगी। जब वर्तमान की योग्यता व क्षमता आए वहाँ पर अपने को किसका प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग करना है। तो आपको याद रखना है वर्तमान की योग्यता व क्षमता के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में पढ़ लें तो प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। अनौपचारिक आज्ञा,
अनौपचारिक आज्ञा मतलब इनफॉर्मल परमिशन। फिर बोल रहा हूँ, अनौपचारिक आज्ञा यानी कि इनफॉर्मल परमिशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान रखें ताकि अगर पीछे मीनिंग आ जाए कोष्टक में कि इनफॉर्मल परमिशन के साथ क्या लगाते हैं तो अपने को ध्यान रखना है। इनफॉर्मल परमिशन के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक आज्ञा कौन सी होगी? आज्ञा आज्ञा कई प्रकार की होती है, एक औपचारिक हो गई, एक अनौपचारिक हो गई। तो अनौपचारिक आज्ञा वो हो गई कि ऐसी अनुमति या परमिशन जिसको लेने की आवश्यकता नहीं है फिर भी आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। जैसे आप ये कह दो कि आप जब अपने से बड़े से अनुमति लेंगे तो वो अनुमति लेनी आवश्यक है, यानी कि आप सर से कहे कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, तो आप वहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं करोगे, वहाँ मे का प्रयोग करोगे, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वो हो गई औपचारिक फॉर्मल परमिशन, जो अनुमति लेनी आवश्यक है। माता पिता से आप अनुमति लेकर जाओगे, अध्यापक से अनुमति लेकर जाओगे, यानी वो अनुमति लेनी आवश्यक है, वो इनफॉर्मल नहीं, वो किस में चली जाएगी? फॉर्मल परमिशन में चली जाएगी, फॉर्मल परमिशन हो जाएगी जो लेनी आवश्यक है। अब आप अपने मित्र से अनुमति ले रहे हो कि क्या मैं अपने घर चला जाऊँ, यहाँ पर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ सहपाठी है या आपके साथ बराबर काम करने वाला है, उसके साथ अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका मित्र है या आपसे छोटा है, वेटर से अनुमति थोड़ लेंगे हम, वहाँ कैन का प्रयोग करना है। जहाँ अनौपचारिक आज्ञा है यानी कि जिस अनुमति को लेनी आवश्यकता नहीं है फिर भी आज्ञा ले रहे हैं, वो किस में आ जाएगी? अनौपचारिक आज्ञा में आ जाएगी। वैसे ही हम देखें सामान्य संभावना, सामान्य संभावना को बोलते हैं जनरल पॉसिबिलिटी। जो एक सामान्य संभावना है सबके साथ घटित हो सकती है, वो एक सामान्य संभावना है। देखो संभावना तो कुछ भी हो सकती है, वो 5 घंटे पढ़ता है फर्स्ट डिवीजन पास होगा, ये संभावना है। वो पढ़ता ही नहीं है तो फेल होने की, पास होने की संभावना कम है। संभावनाएं पॉसिबिलिटी कई प्रकार की है। यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी लागू कर रहे हैं वो है जनरल। जनरल माने सामान्य, कि कोई भी सवाल करता है उसके गलती हो जाती है, गलती किसी से भी हो जाती है, ये एक कैसी पॉसिबिलिटी है? जनरल पॉसिबिलिटी है, एक सामान्य संभावना है। आजकल मोबाइल जो है हर घर में दिखाई देता है, ये कैसी संभावना है? सामान्य संभावना। आजकल टेलीविज़न जो है हर गांव के घर में दिखाई देता है, ये एक सामान्य संभावना है। सामान्य संभावना लगभग सभी के साथ लागू होती है। सभी के साथ की बात करें सामान्य संभावना में लागू की जाती है, वो जनरल पॉसिबिलिटी में आएगा, जिसे हम सामान्य संभावना कहेंगे। आगे चलें, घबराहट या बेचैनी के प्रश्नवाचक वाक्य। घबराहट या बेचैनी के कोई प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी आपको प्रश्न पूछते समय क्या हो रही है, घबराहट हो रही है या बेचैनी हो रही है? प्रश्न को पूछते समय डरते डरते आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वो किसके अंदर आएगा? कैन के अंदर आएगा। वो किसके अंदर आएगा? कैन के अंदर आएगा। घबराहट या बेचैनी यानी कि अंग्रेजी में बोले तो पजलमेंट। पजलमेंट शब्द मीनिंग लिखा हुआ आ जाए, इम्पेशेंट आ जाए, तब वहाँ पर अपने को किसका प्रयोग करना है? कैन मॉडल का प्रयोग करना है। तो कैन मॉडल के प्रयोग को आपने क्या पता लगा आपको, ये विशेष ध्यान रखें कि वर्तमान की योग्यता व क्षमता आ जाए, अनौपचारिक आज्ञा आ जाए, सामान्य संभावना आ जाए, उसके साथ कैन का प्रयोग करते हैं। आज एक दो उदाहरण देख के देखते हैं कैसे आप करोगे। जैसे ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी स्पीक मने बोलना, बोल सकता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह उसकी क्या हो गई? एबिलिटी हो गई। क्या हो गई? एबिलिटी हो गई, यानी कि योग्यता हो गई कि वह अंग्रेजी क्या कर सकता है, बोल सकता है। तो आप क्या लगा दोगे? ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है।
जैसे मोहन सॉल्व एनी क्वेश्चन, मोहन कोई भी पर्सन, एनी क्वेश्चन मैंने कोई भी पर्सन सॉल्व मैंने हल कर सकता है, तो मोहन कोई भी पर्सन हल कर सकता है, ये मोहन की एबिलिटी में आता है। मोहन की क्या है, ये मोहन की योग्यता है कि उसको कोई भी पर्सन दो तो वो क्या कर देगा, हल कर देगा। तो वहाँ पर एबिलिटी के साथ भी किसका प्रयोग करना है, कैन का, कैपेसिटी के साथ भी याद रखना पड़ेगा आपको, कैन का प्रयोग करेंगे, वर्तमान की होनी चाहिए, इसमें भूतकाल का कोई पता नहीं है। जब भूतकाल नहीं है तो वो कौन से काल में आ जाएगा, प्रेजेंट में, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गौर कर लें, प्रेजेंट में आती है, पास्ट में नहीं आती है, टेंस में हमने देखा था। तो वर्तमान की एबिलिटी कैपेसिटी आ जाए, या इनफॉर्मल परमिशन आ जाए, या जनरल पॉसिबिलिटी आ जाए, घबराहट या बेचैनी के प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए, उनमें हमें मॉडल कैन का प्रयोग करना है। इसके वाक्य और देखेंगे, अभी तक आपको यही याद रखना है। धन्यवाद।